हेलो दोस्तों, शालू की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए शाही टिंडे की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको कि आप मुगलई टिंडे की सब्जी भी बोल सकते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही रॉयल सब्जी है। बनाना इसको बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। फटाफट बनकर तैयार हो जाती है और जिनको भी टिंडे पसंद है तो उनको ये सब्जी जरूर पसंद आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। और ये देखिए, इसको बनाने के लिए हमने 350 ग्राम के करीब टिंडे लिए हुए हैं। तो छोटे साइज के मैंने टिंडे लिए हैं और आप ध्यान रखें, अगर आप एक ही साइज के टिंडे लेंगे तो ये सब्जी देखने में ज्यादा अच्छी लगती है। और अगर बड़े छोटे हैं तो भी कोई बात नहीं है, पर कोशिश करें एक साइज के टिंडे हों तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये देखिए, इस तरह के गोल्ड साइज के, गोल शेप के आप टिंडे चूज करें, क्योंकि जो गोल शेप के टिंडे होते हैं वो उनमें बीज कम होते हैं और खाने में भी ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। बहरहाल, ये है टिंडे, तो इनको हम सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद में हम इसको पील करेंगे, या फिर आप चाहें तो इसको किसी नाइफ की हेल्प से इस तरह से, इसका जो छिलका है उसको इस तरह से नाइफ की हेल्प से भी हटा सकते हैं। तो दोनों काम आप कर सकते हैं, कैसे भी चाहें करें। और ये देखिए, ये आप जो इसकी आई देख रहे हैं, जो इसकी आँख है, तो इसको भी हमें रिमूव कर देना। और ये देखिए, इस तरह से खरोंच लें इसको। तो मेरे घर पर जो टिंडे की सब्जी है वो इस तरीके से टिंडे को खरोच कर ही बनाई जाती है, तो मैं वैसे ही बना रही हूँ, क्योंकि इससे जो टिंडे का न्यूट्रिशन होता है वो भी बना रहता है, साथ ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप चाहें तो पीलर की हेल्प से टिंडे को पील भी कर सकते हैं, तो जैसे चाहें वैसे आप इनको तैयार कर लें। तो ये देखिए, इस तरह से सारे टिंडों को हम पील करके तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ गंदगी वगैरह जो भी है वो सारी की सारी हरोतने से भी रिमूव हो जाती है। तो ये देखिए, ऐसे ही वापस से हम सारे टिंडों को इस तरह से स्क्रैच कर लेंगे। तो सारे टिंडों को आप इस तरह से स्क्रैच करके आप रेडी कर लें, और उसके बाद में इनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि अगर इनके अंदर कोई गंदगी वगैरह हो तो वो अच्छे से रिमूव की जा सके। तो ये देखिए, सारे के सारे टिंडों को हमने स्क्रैच करके रख लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने इनको। आप चाहें तो आप इनको प्रिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इन टिंडों को प्रिक करना भूल गई थी, यानी कि इनको गोदना भूल गई थी। तो आप कोई फोर्क ले लें और चाहें तो इन टिंडों को अच्छे से प्रिक कर सकते हैं, ताकि जिसके अंदर अगर हम कोई मसाले वगैरह डालेंगे तो सारे के सारे अच्छे से आसानी से अंदर जा सकें। तो प्रिक करना मैं भूल गई हूँ, आप इसको ज़रूर प्रिक कर लें। वैसे बिना प्रिक करके भी बना सकते हैं, मैंने तो बनाया है और आप देख सकते हैं। और ये देखिए, इसके अलावा इनको बनाने के लिए मुगलई टिंडे हैं तो हमें चाहिए होगी कोई रॉयल चीज, तो हमने यहाँ पर मलाई चूज की है, तो मलाई हमें चाहिए होगी। तो सबसे पहले जो हमने टिंडे लिए हैं तो इन्हें हमें मैरिनेट करने के लिए रखना है। तो आप देख सकते हैं 2 टेबलस्पून के करीब हमारे पास ये मलाई है, दूध की मलाई है, जो दूध हम पीते हैं, और उसको हमने फेंट लिया है। तो 2 टेबलस्पून हमने मलाई ली है, अच्छे से फेंट लें, और उसके बाद में इसका हम सबसे पहले मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो मैरिनेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा बोल मैंने लिया है, इसमें हम डालेंगे सबसे पहले मलाई। तो मलाई हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, मलाई हमने बोल में ऐड कर दी है। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स, हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच के करीब नमक। तो थोड़ा सा नमक हमें अभी ऐड करना है, पूरा नमक ना ऐड करें आप। इसके साथ ही आप इसमें डाल दें किचन किंग मसाला। मैं यहाँ पर होममेड किचन किंग मसाले का यूज कर रही हूँ, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही बढ़िया मसाला है, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। और अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, और वहां पर मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप किचन किंग मसाला घर पे बना सकते हैं। और ये देखिए, अच्छे से मैरिनेट कर लें इसको। ये देखिए, मिक्स कर लिया है हमने नमक और किचन किंग मसाले को मलाई के साथ। अब इसमें हम ड्रॉप कर देंगे, ऐड कर देंगे टिंडे। तो टिंडे हमने इसमें ऐड कर दिए। आप चाहें तो आप इसको अच्छे से कोट कर सकते हैं किसी स्पून की हेल्प से, या फिर हाथों की हेल्प ले सकते हैं। बहरहाल, हमें मलाई को अच्छे से टिंडों के ऊपर कोट करना है। इसके बाद में इसको हम रख देंगे 10-15 मिनट के लिए अच्छे से मैरिनेट होने के लिए ढककर। जब ये टिंडे अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे, उसके बाद में इससे हम बनाना शुरू करेंगे मुगलई टिंडे। तो ये देखिए, अच्छे से आप देख सकते हैं हमने इसको कवर कर दिया है। तो हाथों से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, बाद में मैंने इसको स्पून से भी चला लिया है। और ये देखिए, अब इसको आप ढककर रख दीजिए 10-15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने देना है, और उसके बाद में हम इसको यूज करेंगे। तो ये देखिए, इसके अलावा हमें चाहिए होंगे कुछ खड़े मसाले, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो 2 तेज पत्ते हमने लिए हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इनसे। इसके अलावा 4-5 आप लौंग ले लीजिए, 10 से 12 आप काली मिर्च ले लें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इनसे। 2 हरी इलायची हमने लिए, 2 से 3 आप बड़ी इलायची ले लें। तो ये सारे मसाले हमें चाहिए होंगे, खड़े मसाले, इस सब्जी को बनाने के लिए बहुत जरूरी है, उस रॉयल टेस्ट को देने के लिए।
तो सारे सूखे मसालों को हमने ये देखिए दरदरा कूट लिया है, सिर्फ हमने तेज पत्तों को रहने दिया है। अब आइए शुरुआत करते हैं मुगलई टिंडे बनाना। तो इसको हम कुकर में बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें कुकर में डाल दिया है 2 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 पिंच डालेंगे हींग। हींग देखिए भुनने लगी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरे को भी अच्छे से भुन जाने दें और उसके बाद में जो हमने क्रश करके रखे थे खड़े मसाले वो भी हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए दरदरे कटे हुए खड़े मसाले, गरम मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। भून लेंगे हम इसे कुछ सेकंड तक और उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे टिंडे जो हमने मैरिनेट करके रखे थे। तो ये देखिए अब इसमें हम टिंडे ऐड कर देंगे। अब इसे हमें अच्छे से मसालों के साथ अच्छे से सॉटे करना है। तो मीडियम हाई फ्लेम पर आप अच्छे से टिंडों को सॉटे कर लें। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इस तरह से इसको लगातार मसाले के साथ चलाएंगे ताकि जो टिंडे हैं वो हल्के से भुन जाएं, तो उससे इस सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए इस तरह से 2 से 3 मिनट तक टिंडों को अच्छे से आप भून लें और उसके बाद में इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले 1/4 चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर आप डाल दें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मेरी मिर्च काफी तीखी है इसलिए मैंने कम ऐड की है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखे धनिए का पाउडर। मिक्स कर लें और सारे मसालों को, सूखे मसालों को अच्छे से टिंडे में हम इस तरह से सॉटे कर लेंगे। तो थोड़ा सा अच्छे से चला लें, लगभग 30 सेकंड तक आप इसको मिक्स कर लें और उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे जिसकी मैंने मिक्सी में प्योरे बना ली थी, तो वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो टमाटर आप इसमें जरूर डालें और चाहें तो टमाटर को ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं यानी कि कद्दूकस करके ऐड कर सकते हैं। अब टमाटर के पेस्ट को भी हमें इस तरह से भूनना है। मसालों के साथ हम टमाटर के पेस्ट को भी भून लेंगे जब तक कि टमाटर का पेस्ट अच्छे से भुन नहीं जाता और साइड्स में ऑयल नहीं छोड़ देता। बहुत ही फ्लेवरफुल सब्जी है फ्रेंड्स और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने यहाँ पर बिना प्याज के इसको बनाया है। अगर आप प्याज डालना चाहते हैं तो प्याज के साथ भी बना सकते हैं, प्याज भी इसमें ऐड की जा सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे बना सकते हैं मुगलई टिंडे और वो भी प्याज लहसुन के साथ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वो भी सिखा दूंगी। और ये देखिए 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। मिक्स कर लें वापस से। ये देखिए अच्छे से अब आप भून लें टमाटर का पेस्ट। अच्छे से हमें भूनना है, नमक भी जा चुका है इसमें, तो इस तरह से लगातार चलाते हुए भून लीजिए। तो ये देखिए टमाटर का पेस्ट आप देख सकते हैं, ये देखिए भुन चुका है और इसने ऑयल भी रिलीज कर दिया है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला। तो गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि मैंने घर पर बनाया है। अगर आप इसकी रेसिपी भी जानना चाहते हैं कि गरम मसाला पाउडर आप कैसे घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी और बहुत ही शानदार, बहुत ही खुशबूदार, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सिखाऊंगी। और ये देखिए मिक्स कर लीजिए आप। तो सारे मसाले हमें एक साथ डाल देने हैं और उसके बाद में इसको हम दम पर पकाएंगे। तो सबसे पहले तो हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी। तो लगभग आप कह सकते हैं 4 से 5 टेबलस्पून के करीब पानी हमें ऐड करना है। पानी बहुत ज़्यादा ना ऐड करें, पानी सिर्फ हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि पानी, थोड़े से पानी में जो सब्जी है वो अच्छे से गल जाए और मसाले भी ना जले। तो ये देखिए दम पर मैंने इसको पकाना है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसमें एक सीटी ले लेंगे। जब इसमें एक प्रेशर आ जाएगा, एक विसल आपकी आ जाएगी, उसके बाद में हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद में हम ढक्कन को रिमूव करेंगे और चेक करेंगे। तो कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, मैं आपको इसको खोलकर दिखा रही हूं। तो ये देखिए हमारी मुगलई टिंडे की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है और आप देख सकते हैं कितनी शानदार लिपटमा सब्जी बनकर रेडी हुई है। बहुत ही बढ़िया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है और बहुत ही मसालेदार है टिंडे की सब्जी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। आइए अब मैं इसको सर्व कर देती हूँ। आप भी इसको अपने घर में जरूर बनाएं। आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हो या फिर कोई स्पेशल ओकेशन हो तो आप इस सब्जी को बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये लगती है और रोटी, पूरी, पराठे, इवन प्लेन राइस के साथ भी ये सब्जी बहुत ही बढ़िया लगती है। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर और कितनी मसालेदार है और ग्रेवी बहुत बढ़िया है इसकी। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, आप मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए और अपनी मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। फिर मिलती हूँ एक बिल्कुल नई रेसिपी के साथ, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। बाय।